हेलो फ्रेंड्स मैं एस के सहनी अम्यासी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है और इसके पहले हम लोग जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया था इसका जो पार्ट टू लेकर के हम आए हैं और ये विभिन्न ग्राफ के माध्यम से हम एक ग्राफ के माध्यम से जनाकीय संक्रमण सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे तो आइए हम आपको सबसे पहले एक बार और आपको हम लेकर के चलते हैं कि इन सिद्धांतों को देने का श्रेय किसको है तो डब्ल्यू थाम्सन ने हम एक बार और लिख करके बता देते हैं कि डब्ल्यू थाम्स डब्ल्यू एस थाम्सन ने उन्नीस में सर्वप्रथम जनाकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रस्तुत किया था डब्ल्यू एस थाम्सन ने सन उन्नीस में यह जनाकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रस्तुत किया था लेकिन फ्रैंक डब्लू नोटेस्टीन ने लेकिन फ्रैंक डब्लू नोटेस्टीन ने 1945 में इसे वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया था इसीलिए फ्रैंक डब्लू नोटेस्टीन को जनाकीय संक्रमण सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है यानी हम कह सकते हैं कि जनाकीय संक्रमण सिद्धांत के जनक कौन हैं तो आप बताएंगे फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन ने 1945 में जनाकीय संक्रमण सिद्धांत को एक वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किए थे इसीलिए इन्हें जनाकीय संक्रमण सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता था जनाकीय संक्रमण सिद्धांत को फ्रैंक डब्ल्यू नोटिस्टीन ने तीन अवस्थाओं के आधार पर इसे वर्गीकृत किया था लेकिन तीन अवस्थाओं से काम न चल पाने के वजह से सीपी ब्लेकर एक विद्वान थे सीपी ब्लेकर जो ये इन जानांकी संक्रमण सिद्धांत को पांच अवस्थाओं में विभाजित करने का प्रयास किया था तो ऐसे हम देखते हैं कि फ्रैंक नोटेस्टिन ने तीन और सीपी ब्लैकर जो है सीपी जो ब्लैकर हैं इन्होंने जनाकित संक्रमण सिद्धांत को पांच अवस्थाओं में बांटने का काम किया था तो आइए हम आज इस विभिन्न ग्राफ इस ग्राफ के माध्यम से जनाकित संक्रमण सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं तो देख सकते हैं कि ये फर्स्ट अवस्था सेकेंड थर्ड फोर्थ और फाइव ये पांच अवस्थाओं में इसे हम बांट दिए हैं और इन पांच अवस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे जो हमने बताया था बर्थ एंड डेथ रेट पर थाउजेंड पीपल पर ईयर मतलब यह जो जन्म दर और मृत्यु दर है एक हजार पे एक साल के अंतर्गत क्या है इधर हम ये दिखा दिए हैं और इधर हमने देखा है सब कुछ जन्म दर मृत्यु दर कितनी कहाँ पे जनसंख्या का स्थिति बन रही है तो देखेंगे फर्स्ट अवस्था सेकेंड अवस्था और थर्ड अवस्था और फोर्थ अवस्था और पाँचवीं फाइव अवस्था इन पांचों अवस्था तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये दो लाइन है एक देख सकते हैं यह एक ऊपर की तरफ जा रहा है और यह एक नीचे की तरफ जा रहा है ये पहले दोनों लाइन को हम समझने का प्रयास करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ये जो लाइन है वो जन्म दर है वो क्या है जन्म दर है यानी हम कह सकते हैं बर्थ रेट की ये लाइन है ये बर्थ रेट की लाइन है और ये जो लाइन है देखिए ये जो लाइन है वो मृत्यु दर है ये मृत्यु दर है यानी डेथ रेट ये का ये लाइन है तो आप समझ जाइएगा कि ये बर्थ रेट है और ये है डेथ रेट है और यहाँ से शुरू हो कर के वहाँ पे जा करके समाप्त हो रही है आपको समझ में आ रहा होगा ये एक आपको एक मतलब ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं ये जो लाइन है हमने देखा जन्म दर मृत्यु दर और देश फर्स्ट अवस्था में कौन से देश हैं सेकेंड अवस्था में कौन से देश हैं थर्ड अवस्था में कौन से देश हैं और ये सारे इन अवस्थाओं को हम बांट करके यहाँ पे दिखा दें देखिए जब मानो पृथ्वी पे आया होगा और काफ़ी दिनों तक जब उसके पास किसी प्रकार की कोई संसाधन का विकास नहीं हुआ होगा न अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं का न शिक्षा का न किसी प्रकार की सुविधाओं का तो पूरी तरह से वो मानव किस पे आश्रित था वो प्रकृति पे आश्रित था प्रकृति के हिसाब से अपने आप को जीवन यापन करता था वो किसी प्रकार की उनके अंदर संभावनाएं नहीं थी जो आज की परिस्थितियों का वो सामना कर सके कोई भी प्राकृतिक आपदा के वो शिकार हो जाते थे तो इस तरह से हम कहें कि जो फर्स्ट अवस्था है जिसमें जन्म दर है ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट अवस्था है इसमें जो जन्म दर है तीस से पैंतीस प्रति हज़ार है यानी हम कह सकते हैं तीस से तीस से पैंतीस ये प्रति हजार यानी बर्थ रेट और डेथ रेट यानी कहने का मतलब है जन्म दर और मृत्यु दर यानी एक हजार व्यक्ति के पीछे पैंतीस लोग जन्म लेते हैं और एक हजार व्यक्ति के पीछे पैंतीस लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो जान लीजिए कि जहां पे मरने वाले की भी संख्या उतनी हो और जन्म लेने वाले की भी संख्या उतनी हो तो स्वाभाविक है ऐसा अवस्था होगा जो जन्म लेने वाले को हम आधुनिक संसाधनों से बचा न पाने के वजह से या जो व्यक्ति हैं उनको हम न बचा वन, के, बचाने के वजह से उनकी मृत्यु दर भी उतनी है जितनी जन्म दर है तो समझ जाइए कि ऐसे देश में जनसंख्या सामान्य स्थिति में बना रहेगा यानी हम कह सकते हैं ऐसा जो देश होगा या ऐसा जो एरिया होगा देखिए एक देश में सभी जगह अनुपात एक नहीं हो सकता है कुछ जगह आपने देखा होगा जैसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत अधिक है वही आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे वहाँ पे पॉपुलेशन कम है राजस्थान की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की अपेक्षा वहाँ पे कम है तो इन्वायरमेंट के वजह से भी कई रीजन है जनसंख्या का अधिक होना और कम होना तो एक ही देश में कई परिस्थितियाँ पाई जाती है तो हमने देखा 30 से 35 प्रति हज़ार के पीछे ये फर्स्ट अवस्था के अंतर्गत जन्म लेने वाले और मरने वाले तो यहाँ पे यानी जितना जन्म लेंगे तो उतना मरेंगे तो वहाँ की जनसंख्या ना बढ़ेगी ना घटेगी तो सामान्य अवस्था में ये जनसंख्या यहाँ पे रहती है फर्स्ट अवस्था में तो इसमें आने वाले जो देश हैं इथोपिया है सोमालिया है लाओस है पापुआ गिनी है अफ्रीका महाद्वीप के कांगो है अमेजन के जंगलों में भी कुछ ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं जो इस फर्स्ट अवस्था के अंतर्गत आते हैं यानी पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे अभी भी आदि मानव की जीवन लोग जी रहे हैं और जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे शिक्षा नहीं है मैंने बताया था कि इस पृथ्वी पे जब मानव पैदा हुआ था तो अशिक्षित था तो शिक्षा न हो पाने के वजह से वो ग्रामीण अंचल में रहता था और उसके पास औद्योगिकरण का यानी पूरी तरह से वो खेतीहर था यानी अशिक्षित था तो गांव में रहता था गांव में रहता था तो वो खेती पे ही अपना जीवन करता था वो किसी भौतिक संसाधनों की तरफ उसका विवेक नहीं जाता था इसलिए आज भी जो ऐसे जंगलों में लोग रहते हैं वहाँ की भी स्थितियाँ ऐसे ही अभी भी पाई जाती है हालांकि यह स्थिति अब इस पृथ्वी से शून्य की तरफ बढ़ रही है ये स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी अन्य अवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं तो कुछ ऐसे जगहों पर इन परिस्थितियों को पाया जाता है जैसे इथोपिया सोमालिया लाओस पपुआ न्यूगीनी अफ्रीका महाद्वीप कांगो बेसिन वेसी, अमेजन बेसिन के जंगल के कुछ भाग में इस तरह के लोग पाए जाते हैं जहाँ पे दर और मृत्यु दर एक समान है इसलिए वहाँ की जनसंख्या स्थिर है वहां की जनसंख्या क्या है स्थिर है मैंने बताया था उच्च दर देखिए जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है यानी जन्म दर तीस से पैंतीस प्रति हजार है और मृत्यु दर भी तीस से पैंतीस प्रति हजार है तो जन्म दर का हमने लाइन में देखा हाई है और यह भी हाई यानी बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है दोनों इक्वल है दोनों हाई हम कह सकते हैं इसलिए यहाँ पे जनसंख्या सामान्य और स्थिर अवस्था में होगी दूसरा हम चलते हैं ये सेकेंड अवस्था की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जन्मदर क्या है हाई है जन्म दर क्या है हाई है यानी उच्च है यहाँ पे भी जनसंख्या तीस से पैंतीस प्रति हज़ार आप देख सकते हैं ये पैंतीस से पाँच जीरो दस बीस तीस पैंतीस तो ये पैंतीस की अवस्था को हम देख रहे हैं तो तीस से पैंतीस यानी खट बढ़ सकता है मैंने बताया था तो तीस से पैंतीस प्रति हज़ार यहाँ पे क्या है मैंने जन्मद्र का काला मनाया मैंने जो है बर्थ रेट है तीस से पैंतीस प्रति हज़ार और डेथ रेट देख सकते हैं तो उच्च है यहाँ हाई बर्थ रेट भी है लेकिन तेजी से गिरती हुई आप देख सकते हैं ये तेजी से गिरती हुई यानी जो जन्म मृत्यु दर है वो मृत्यु दर में कमी आ रही है लेकिन जो वो जन्म दर है वो जन्म आप दर देख सकते हैं ये यहाँ पे हाई है और मृत्यु दर क्या है बड़ी तेजी से गिर रही है मृत्यु दर बड़ी तेजी से गिर रही है और मृत्यु दर क्या है पंद्रह से बीस है हम कह सकते हैं यानी इसमें जो जन्म दर है वो तीस से पैंतीस प्रति हज़ार है क्या है बर्थ रेट और डेथ रेट है पंद्रह से पंद्रह से बीस प्रति हज़ार तो आपने देखा होगा कि जो सेकेंड अवस्था है यहाँ पे मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है तो स्वाभाविक है यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ पे मृत्यु दर अब रीज़न क्या हो सकता है कि सेकेंड अवस्था में मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है देखिए क्योंकि जब हम औद्योगिकरण अवस्था में पहुंचते हैं तो हम औद्योगिकरण अवस्था में तभी पहुंचेंगे जब हमारे पास शिक्षा का विकास होगा तो शिक्षा के विकास के वजह से स्वास्थ्य सेवाओं में हमने परिवर्तन कर दिया हमने वृद्धि कर दिया स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तारित कर दिया हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होना सुनिश्चित हो गया तो स्वास्थ्य सेवाएं डेवलप होने के वजह से लोगों की जो डेथ रेट है हम उसे कम कर दिए क्योंकि अगर किसी बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है तो उस बीमारी का इलाज हमने ढूंढ लिया है अगर कुपोषण से मरता है तो उसका इलाज हमने ढूंढ लिया है क्योंकि औद्योगिक स्थिति उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे कृषि से संबंधित उत्पादित वस्तुओं का भी अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे कुछ ऐसे जो पोषाहार है उस तरह की वस्तुओं का हम प्रोडक्शन करने लगे जिससे हमारा जो जो डेथ रेट है वो कम होता गया लेकिन एक चीज़ और है ऐसे जगह में जहाँ पे डेथ रेट कम हो जाए और बर्थ बर्थ रेट अधिक हो वहाँ पर जो रोजगार की सुविधाएँ भी कम हो जाएगी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी खाद्यान्न सामग्री की धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है और मृत्यु दर कम हो रहा है तो यानी जन्म दर बढ़ रहा है और मृत्यु दर कम हो रहा है तो ऐसे में उस देश में परिस्थितियां तो खराब हो ही जाएगी बड़े ध्यान से सुनिएगा तो हमने देखा कि जो सेकेंड अवस्था है जो यहाँ पे ये देख सकते जन्म दर की लाइन है तीस से पैंतीस प्रति हज़ार और मृत्यु दर की लाइन है यानी उच्च उच्च मृत्यु दर है तेजी से गिरती हुई पंद्रह से बीस प्रति हज़ार मरते हैं और तीस से पैंतीस प्रति हजार जन्म लेते हैं इसमें आने वाले देश अफ्रीका है लैटिन अमेरिका है म्यांमार है लाओस है इंडोनेशिया है ईरान है सऊदी अरब है इस तरह के सेकेंड अवस्था में आने वाले यह सब देश हैं तो आइए नेक्स्ट तीसरी अवस्था की बात करते हैं तीसरी अवस्था में हम देखेंगे जो बर्थ रेट है जन्म रेट है उच्च है हाई है जन्मदर क्या है हाई है 20 से 30 प्रति व्यक्ति प्रति हजार जन्म है हम कह सकते हैं 20 से 30 जो है प्रति हजार क्या है जन्म दर है और मध्यम यानी मृत्यु दर मध्यम है ना ज्यादा है ना कम है तो हम कह सकते हैं जो मृत्यु दर है वो दस से पंद्रह प्रति हजार है यानी एक हजार व्यक्ति के पीछे बीस से तीस व्यक्ति जन्म लेते हैं और मृत्यु दस से पंद्रह होता है तो हमने देखा कि यहाँ पे जन्म दर भी कम हो गया और मृत्यु दर भी कम हो गया दोनों कम हो रहा है तो आपने देखा होगा ये जो एरिया है ये पूरा बड़ा एक एरिया है जनसंख्या अधिक होने का एक रीज़न है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जन्म दर की लाइनें हैं जन्म दर की लाइनें हैं धीरे से ये नीचे की तरफ गिर रही है और मृत्यु दर भी थोड़ा सा कम हो रहा है यानी आप देख सकते हैं ये कम होता आया है देख सकते हैं इस अवस्था और इन अवस्था के बीच काफ़ी डिफरेंस है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यानी हम कह सकते हैं कि काफ़ी स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं का विस्तार होने लगा वहाँ विवेकशील लोग होने लगे जिसमें जन्म दर को भी कम किया ध्यान दीजिएगा जन्मदर यहाँ पे हाई है यहाँ पे भी हाई है लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ जन्म जन्मदर कम है यहाँ तीस से पैंतीस है यहाँ पे बीस से तीस है यानी यहाँ पे हम बर्थ रेट को भी डाउन किए हैं और जो डेथ रेट है उसमें भी हम कुछ मतलब डेथ रेट यहाँ पंद्रह से बीस था तो यहाँ पे दस से पंद्रह डेथ रेट भी डाउन हुआ है तो इन परिस्थितियों में हमने देखेंगे जनसंख्या थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा है विस्फोटक स्थिति है लेकिन जैसे जैसे कुछ समय अवस्थाएं बदलती जाती है तो जनसंख्या यहां पे कम होता जा रहा है देख सकते हैं ये बर्थ रेट की जो लाइन है ये बर्थ रेट की लाइन है ये यह यहां और यहां में डिफरेंस है कि नहीं गिरता हुआ आ रहा है और यहां भी देख सकते हैं ये यह यहां पर मृत्यु दर है ये यह यहां पर कम होता आ रहा है तो हम देखेंगे कि तीसरी अवस्था है उसमें दर और मृत्यु दर दोनों कम हो रहे हैं तो ऐसे आने वाले देश पूर्वी एशिया मध्य एशिया के अंतर्गत चीन है भारत पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश आदि तीसरी अवस्था के अंतर्गत आने वाले देश हैं तो हमने देखा कि यह तीसरी अवस्था है यहाँ पे कुछ सुविधाएं का विस्तार हो गया है और दोनों में थोड़ी सी कंट्रोलिंग पावर आ गई है और काफ़ी इसमें सुधार हुआ है नेक्स्ट हम देखते हैं कि चौ चो, चौथी अवस्था चौथी अवस्था में आप देखेंगे मध्यम जन्म देखिए जो बर्थ रेट है मध्यम है मतलब मीडियम यानी 10 से 15 प्रति हजार व्यक्ति के पीछे 10 से 15 लोग जन्म लेते हैं और एक हजार व्यक्ति के पीछे निम्न हम कह सकते हैं डेथ रेट है यानी 10 से कम लोग मरते हैं तो स्वाभाविक है जन्म लेने वाले भी नियर अबाउट उतना ही है और मरने वाले भी नियर अबाउट बाट उतना ही है यानी दस से पंद्रह और यहाँ पे दस है तो देख सकते हैं कि यहाँ पे निम्न मृत्यु दर है और मध्यम जन्म दर है मीडियम बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है तो इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो लगातार कम होता जाता क्योंकि यहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग आए जाते हैं इन देश के अंतर्गत पूरी सारी सुविधाएं अपडेट है जिससे किसी प्रकार की कोई सुविधाओं का अभाव नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सीखा बहुत सारी समस्याओं से वो गुजरे तो इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए सारी सुविधाओं को विकसित किया यहाँ पे अपने जन्म दर को एकदम कंट्रोल कर लिया जिसमें सिंगापुर हांगकांग पश्चिमी यूरोप के जो जी एट के अंतर्गत आने वाले देश हैं वो सारे सदस्य देश इस चौथी अवस्था के अंतर्गत आते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपने देखा होगा कि सबसे कम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत जनसंख्या पाई जाती है वर्ल्ड के जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 0.95% 0.5% जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करती है जो बहुत ही कम है तो हम देखें सिंगापुर हांगकांग, पश्चिमी यूरोप के जो जी एट के जो सदस्य देश हैं वो सारे देश इस चौथी अवस्था के अंतर्गत आते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इस अवस्था के अंतर्गत आता तुमने देखा कि चौथी अवस्था आप देख सकते हैं ना यहाँ पे जो जन्म दर है आप देख सकते हैं ये जो जन्म दर है ये लाइन एकदम कम होती जा रही है मृत्यु दर ये और भी कम होता जा रहा है तो यहाँ पे सीधे हो रहा है मृत्यु दर देख सकते हैं मैंने बताया कि 10 से 15 के अगर ऐसे एंगल लेंगे तो 10 से 15 आएगा ये अवस्था जो इसी हिसाब से इस ग्राफ को डिजाइन किया गया है तो चौथी अवस्था के अंतर्गत आने वाले देश है पांचवी अवस्था की हम बात करते हैं जो निम्न यानी हम कह सकते हैं जो ये बर्थ रेट है वो लो है और जो जो डेथरेट है वो वेरी लो है यानी बहुत ही निम्न है जो जो बर्थ रेट है वो तो निम्न है लो है ही है लेकिन बर्थ वेरी लो है यानी बहुत ही निम्न है बहुत ही निम्न है बहुत कम है यानी कह सकते हैं कि अगर जनसंख्या यहां पे जितनी जन्म लेती है देख सकते हैं ये बर्थ यानी ये जन्म है, ये नहीं, नहीं एक मिनट सॉरी ये ये जो नीचे वाली जो लाइन है वो मृत्यु दर वाली लाइन है जो ये ऊपर वाली लाइन है ये नहीं, नहीं ये नीचे वाली जो लाइन है जन्म दर है और ऊपर लाइन वाली है मृत्यु दर है तो देख सकते हैं जन्म दर नीचे है और मृत्यु दर ऊपर है यानी मृत्यु दर ज्यादा है और जन्म दर कम है कोलिन क्लार्क नाम सुने होंगे या सुन लीजिए कोलिन क्लार्क एक विद्वान थे जिन्होंने जनसंख्या को ऋणात्मक स्वरूप का भी अध्ययन किया यानी उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कुछ ऐसे स्टेज होते हैं जिसमें ऋणात्मक स्थितियां पाई जाती है तो किसने कहा था तो कोलिन क्लार्क ने बताया था यहाँ पे देखिए जो जन्म दर है वो कम है और मृत्यु दर है वो हाई है तो ऐसे देश जैसे रूस इटली जापान नॉर्वे फिनलैंड यहाँ पे जनसंख्या कम हो गई अगर विश्व का सबसे बूढ़ा देश की बात करते हैं तो जापान है यहाँ पे गवर्नमेंट सुझाव देती है ऑफर देती है बहुत सारी लाभ देती है कि आप जनसंख्या को बढ़ावा लेकिन यहाँ के लोग जनसंख्या बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं लोग कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं पे इसका असर पड़ेगा तो ऐसे देश की जनसंख्या कम होती जा रही है कम होती जा रही है मृत्यु दर ज्यादा है जन्म दर कम है जहां मृत्यु अधिक होगी जन्म दर कम होगा तो वहां की जनसंख्या घटने लगेगी जो ऋणात्मक स्थिति को उत्पन्न करेगी जो कोलिन क्लार्क ने ऋणात्मक जनसंख्या सिद्धांत के संदर्भ में इन्होंने बताया तो आज हमने देखा कि जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की जो ये विभिन्न अवस्थाएं हैं इन विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत हम कम समय में इसे समझाने का प्रयास किया अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें लाइक्स कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपके पास जैसे ही वीडियो बने आपके पास सबसे पहले पहुंचे आज के लिए इतना ही धन्यवाद आज ये चैप्टर भी पूरा हुआ और नेक्स्ट तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद